आज हम बात करते हैं बेटा अपने थ्योरी स्ट्रक्चर के अंदर के आगे के पार्ट की। अभी तक मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंसी के बारे में कि स्ट्रक्चर के अंदर जो डिटरमिनेंसी होती है, इनडिटरमिनेंसी होती क्या है क्या नहीं है। आज अपन यहाँ पर बात करते हैं कुछ थ्योरम के बारे में। जैसे मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे सबसे पहली चीज़ है मेरे पास यहाँ पर मैक्सवेल थ्योरम। जो बेटा मैक्सवेल थ्योरम होती है अपने पास यहाँ पर, समझने के लिए एक छोटी सी बात करते हैं, ध्यान रखना, फिर आगे इसकी लैंग्वेज में बताता हूँ क्या है क्या नहीं। अपने पास क्या होगा बेटा, एक कोई बीम दे दी मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर हमेशा बीम लेंगे सिंपली सपोर्टेड, जिसमें ये ए पॉइंट है अपने पास और ये पॉइंट कौन सा दे रखा है यहाँ पर, बी पॉइंट दे रखा है। इसके अंदर दो पॉइंट और ले लिया हमने, एक तो सी पॉइंट ले लिया और एक कौन सा पॉइंट ले लिया बेटा अपन ने यहाँ पर, इसका डी पॉइंट और ले लिया है। सेम इसी बीम को मैं वापस बना रहा हूँ इस जगह, सेम बीम वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है अपने पास, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है अपने पास, डिक्टो सेम टू सेम है बेटा, लेंथ दोनों की इक्वल दे रखी है अपने पास यहाँ पर, ए सी सी डी और डी बी दोनों के इक्वल दे रखे अपने पास यहाँ पर। अब सुनना, अगर मैं यहाँ पर जो सी पॉइंट है यहाँ पर कोई लोड अप्लाई करूंगा, कोई सा भी लोड में अगर अप्लाई करता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बीम होगी अपने पास कुछ इस तरह से क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्टेड होगी, नहीं होगी अपने पास, कोई डिफ्लेक्टेड होगी। उस डिफ्लेक्शन की वजह से जो डी पॉइंट दे रखा है अपने पास, इस डी पॉइंट पर कुछ ना कुछ गैप आएगा, नहीं आएगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आएगा अपने पास यहाँ पर ही, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा बेटा अपने पास। इसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन को किससे डिनोट कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, वाई से। कुछ लोग बेटा इस चीज को डिनोट करेंगे यहाँ पर डेल से भी, ठीक, इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर डेल डी सी, डिफ्लेक्शन ए डी पॉइंट ड्यू टू सी पॉइंट कुछ लिख रहा हूँ ऐसे बेटा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और डी पर वही लोड लगाऊ, मान लिया हमने यहाँ पर लोड कितना लगाया डब्ल्यू क्लेटन का, तो यहाँ पर भी लोड कितना लगाऊंगा इस जगह डब्ल्यू क्लेटन का, मीन्स ये लोड क्या हो गया यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ गया, इस वाले पॉइंट पर आ गया। अगर लोड यहाँ पर आएगा इस जगह सर के गाँव मूव करेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, सी पॉइंट दे रखा है अपने पास, इस पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आएगा, डेल सी डी कुछ इसको लिख दूँ। तो मैक्सवेल जी बोल के गए अपने पास यहाँ पर, ये बिल्कुल बेसिक चीज बोली, अगर यहाँ पर जो लोड दे रखा है ये क्या हो जाए, वन किलोन्यूटन, मतलब यूनिट लोड हो जाए, क्या हो जाए बेटा अपने पास यहाँ पर लोड, वन किलोन्यूटन लोड हो जाए अपने पास यहाँ पर, जो लोड दे रखा है वन किलोन्यूटन हो जाए, तो इसकी वजह से डी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर यही लोड में डी पॉइंट पर लगाऊ, उसके सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आएगा, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स मैक्सवेल जी क्या बोल गए यहाँ पर कि डेल डी सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ बेटा, इसके डेल सी डी हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ये मैक्सवेल जी ने बोला है। अब मैक्सवेल जी की फिर बताता हूँ क्या लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, ये चीज क्लियर है या नहीं है, अगर क्लियर हो तो बेटा अपने थंब का इंप्रेशन बेटा अपने इस कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा बार बार ही, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक और चीज बोली, अगर आप इसी मैक्सवेल जी ने ठीक है इस पर कोई यूनिट लोड लगाएंगे यहाँ पर ही, तो इस जगह क्या होगा, कुछ ना कुछ स्लोप आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर, देखो कुछ स्लोप आ रहा नहीं आ रहा बेटा इस जगह, ठीक। इसको क्या लिख दूं बेटा मैं यहाँ पर, डेल इस जगह बेटा अपन बात करेंगे यहाँ पर ही, इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर बात, डी पॉइंट पर बात करूंगा, तो डी पॉइंट पर क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ स्लोप आएगा अपने पास यहाँ पर ही, जो स्लोप आएगा थीटा आएगा बेटा यहाँ पर, इसको डी सी कर दूं ऐसे, अगर इधर से बात करूंगा तो यहाँ पर भी क्या कुछ स्लोप आएगा, नहीं आएगा अपने पास इस जगह, वो स्लोप क्या होगा बेटा यहाँ पर, डेल सी डी। तो इसे क्या लिख दिया उन्होंने, जो स्लोप होगा डेल डी सी इक्वल टू थीटा सी डी, ये दोनों भी क्या होंगे बेटा अपने पास यहाँ पर बराबर होंगे। फिर उन्होंने एक और चीज बोल दी, अगर मैं इस लोड पर यहाँ पर क्या कर दूं बेटा इस जगह सी पॉइंट पर पॉइंट लोड की जगह, क्या कर दूं बेटा इस जगह में पॉइंट लोड की जगह में यहाँ पर कोई यूनिट लोड का मूवमेंट अप्लाई कर दूं, यूनिट वन किलोन्यूटन मीटर का मैं कोई मूवमेंट अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा बेटा अपने पास, जो रोटेशन आएगा अपने पास डी पॉइंट पर, मीन्स जो रोटेशन दे रखा है अपने पास वो हमेशा इक्वल होगा किस पे, अगर मैं डी पॉइंट पर कोई क्या करता हूँ बेटा यहाँ पर यूनिट मूवमेंट अप्लाई करता हूँ, तो सी पॉइंट पर जो रोटेशन आएगा वो भी क्या होंगे हमेशा अपने पास इक्वल होंगे। जरा सी बात है, अब इसको ढंग से सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, फिर सुनना मैंने जो चीज़ बोली उस चीज़ को यहाँ पर ही, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह, तो बात क्या होती है बेटा अपने पास, फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं यहाँ पर ही, इसको मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखता हूँ, लैंग्वेज की फॉर्म में क्या हो गया अपने पास यहाँ पर ही, द डिफ्लेक्शन एट डी पॉइंट ड्यू टू यूनिट लोड एट सी पॉइंट
इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट ड्यू टू यूनिट लोड एट डी पॉइंट मीन्स डेल डी सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर डेल सी डी कुछ ही बोल दिया बेटा अपने पास यहाँ पर ही। ये क्या है मैक्सवेल जी ने जो थ्योरम दी अपनी ये उसके अकॉर्डिंग आया अपने पास यहाँ पर ही। फिर क्या हुआ बेटा एक जनरलाइज थ्योरम आई अपने पास यहाँ पर जिसको बोल रहे बेटीज थ्योरम। बेटीज थ्योरम के अंदर क्या बोला क्या नहीं बोला सुनना फिर वापस जगह। बेटीज थ्योरम के अंदर बेटा जो चीज बोली गई है अपने पास यहाँ पर ही वो बोला गया है सॉरी मैक्सवेल रेसी प्रोकल थ्योरम ब्रैकेट में बेटीज थ्योरम क्या है क्या नहीं। अब सुनना बेटा मैं बिल्कुल कुछ बात नहीं कर रहा बिल्कुल जरा चीज बताऊंगा समझाऊंगा बस समझना आप इस चीज को। लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं चीज समझ में आनी चाहिए। अगर वो चीज समझ में आ गई है तो आप इजीली इस चीज इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अपने जो गेट है ईएसए उसके लिए दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक क्या बोलते हैं यहाँ पर जो बेटीज थ्योरम के अंदर बोला कि अपने पास दो सिस्टम दे दिए एक तो सिस्टम वन ठीक एक दे दिया बेटा अपन यहाँ पर सिस्टम टू। सिस्टम वन और सिस्टम टू सिस्टम वन के अंदर अपने पास कंटिन्यूस बीम दे दी जहां पर क्या हो गया बेटा इस जगह अपने पास कुछ पॉइंट लोड अप्लाई कर दिए कुछ लोड लगा दिए। ऐसे क्या कर सिस्टम टू दे रखा है बेटा यहाँ पर सिस्टम टू में भी क्या अपने पास कुछ लोड लगा रखे हैं यहाँ पर। ठीक अब क्या हुआ अगर मैं यहां से कोई लोड लगाता हूं तो देखो इसे कोई डिफ्लेक्शन आया कुछ इस तरह से अपने पास इस बीम में कुछ इस तरह से क्या हुआ बेटा अगर कोई डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर ही तो इस जगह भी क्या हुआ बेटा कुछ ना कुछ अपने पास क्या हुआ डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट बनेगा या कुछ इस तरह की चीज बनेगी यहाँ पर जो लोड है इसको क्या बोल दू पी वन वन मतलब सिस्टम वन पे जो लोड लग रहा है पहला वो पी वन टू पी वन थ्री पी वन फोर ऐसे में यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा बेटा इसको क्या बोलूंगा डेल वन वन बोल दू इसको क्या बोल दे बेटा अपन यहाँ पर डेल वन टू इसको क्या बोल दे बेटा अपन यहाँ पर डेल वन थ्री ये क्या हुआ बेटा यहाँ पर डेल वन फोर। अपन आगे से बात करेंगे कितने भी अपने जितने भी पार्ट दे रखे हैं जितने डिफ्लेक्शन दे रखा है उसको अपन डिनोट कर पाएंगे। यहाँ बात करता हूँ तो कितना होगा पी टू वन पी टू टू पी टू थ्री पी टू फोर कुछ हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे बेटा जो डिफ्लेक्शन आएगा इस जगह अपने पास यहाँ पर ही तो कितना होगा डेल टू वन डेल टू टू डेल टू थ्री ये कितना होगा बेटा यहाँ पर बात करेंगे डेल टू फोर। अब ये क्या है क्या नहीं सुनना जो अपना बेटीज थ्योरम के अंदर बोला जाता है इन्होंने स्पेशली छोटी चीज बोली कि जब दो सिस्टम अपने पास दे रखे हो तो पहले सिस्टम का फोर्स और दूसरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट का सम वो किसके इक्वल होगा बेटा मतलब प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा अपने पास यहाँ पर ही दूसरे सिस्टम के फोर्स और पहले सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस जगह तो ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर आप बुरा नहीं माने तो कि पी वन वन मल्टीप्लाई डेल टू वन प्लस पी वन टू मल्टीप्लाई डेल टू टू प्लस डेल डेल जितना दे रखा है वो पी टू वन मल्टीप्लाई डेल टू वन डेल वन वन प्लस पी टू टू मल्टीप्लाई डेल टू वन डेल वन टू प्लस डेल डेल जो ये दे रखा है वो अपन सारी चीज लिख देंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आगे की और थोड़ी सी तो इसको बेटा मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ अगर आप बुरा नहीं माने तो कि समीशन पी वन डेल टू इक्वल टू समीशन पी टू डेल वन ये क्या हो गया पहला सिस्टम और दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम का फोर्स और दूसरे सिस्टम का क्या हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दूसरे सिस्टम का क्या हो गया बेटा यहाँ फोर्स पहले सिस्टम का क्या हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ ही आता है बेटा अपने पास यहाँ पर ये है अपने पास बेटा यहाँ पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक अगर अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर ही तो अपने पास एक नया टॉपिक आता है यहाँ पर जो होता है अपने पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करके
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है क्या नहीं है, मैं आपको आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा किसको अपन कैसे सोल्व करेंगे कैसे सोल्व नहीं करेंगे। बाकी उसमें है कुछ भी नहीं, अपन वो तीन चीजें निकालनी है वहां पर, डिफ्लेक्शन, रोटेशन और मोमेंटम। ये तीन चीजें अगर अपन निकालनी आ गई उस जगह तो अपन इजिली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब रोटेशन क्या होता है, क्या चीज क्या है क्या नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक बेटा, जय माता दी। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा।